बोलते हैं वो बहुत गलत बोलते हैं। कश्मीर इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, पीसफुल। हम इतने सारे राइटर्स आए हुए हैं, स्पेशली दिल्ली से जो आए हुए हैं, हमें यही नहीं लगता। यूपी से भी आए हैं, बरेली से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, रोहतक से आए हुए हैं, हमें यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है ही नहीं सर। मतलब एंड सीआरपीएफ, ऑल द फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सब ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है एंड देवर एवरीवेयर। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने आपको मौका बहुत बढ़िया, मतलब हम तो बोलेंगे कि वो और राइड कराए, हम तो दोबारा आएंगे, मतलब इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने जो भी रिस्पांस लोगों का आया है ना, हमें हर जगह से, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से वो, जम्मू कश्मीर टूरिज्म। मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं पहले दिल्ली में साइकिलिंग करती थी, बट फर्स्ट टाइम टूरिज्म ऑफ कश्मीर ने हमें मौका दिया ताकि हम साइकिलिंग कर सकें। यहाँ पे हम 300 किलोमीटर की साइकिलिंग करने आए हैं, पार्टिसिपेट करने आए हैं। मैंने श्रीनगर से स्टार्ट किया था, श्रीनगर से हर्बल गए, हर्बल से शिपयोन, शिपयोन से फिर मैं यहाँ पर आई। हमारा 3 दिन का टारगेट है 300 किलोमीटर का, हमने 100 किलोमीटर किया है, अभी 70 किलोमीटर कर लिए हैं, तो 30 किलोमीटर अभी बचा हुआ है और कल हम फिर 100 किलोमीटर करेंगे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कश्मीर की कि यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह हमें ग्रीट करते हैं और बहुत मोटिवेट किया, क्लैपिंग्स कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे एक्चुअली मुझे देखकर। स्पेशली मैं लड़की हूँ ना, तो मुझे और ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे थे। ये चीज मैंने कश्मीर से बाहर कभी नहीं देखी थी, कभी फेस नहीं किया था, जितना अच्छा मुझे यहाँ लगा। तो मैं टूरिज्म ऑफ कश्मीर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये अच्छा मौका दिया, और मैं चाहती हूँ कि आगे फ्यूचर में भी हमें ऐसा मौका मिलता रहे।